तो गाइज यार आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको इतने ज्यादा भर भर के अपडेट्स देने वाला हूँ WWE से रिलेटेड। गाइज मजा ही आ जाएगा आपको, वीडियो को एंड तक जरूर देखना भाई। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अभिनव, आप देख रहे हैं गाइज पावर स्लैम टीवी। जो भी नया बंदा है चैनल सब्सक्राइब करो यार लेटेस्ट न्यूज को सबसे पहले पाने के लिए। सबसे पहले गाइज रॉयल रंबल के बारे में बात कर रहे हो। गाइज WWE ने अपने रॉयल रंबल का पोस्टर अपडेट कर दिया। गाइज आप देख सकते हो यहाँ पर एज स्टाइल्स और ड्रू मैकइंटायर भी इस पोस्टर के अंदर एड हो चुके हैं, जो पहले नहीं थे। और गाइज मेरे हिसाब से ड्रू मैकइंटायर का मैच सेथ रॉलिंस के साथ होने वाला है गाइज, जैसे इनकी स्टोरी लाइन चल रही है। पर गाइज अभी तक ये मैच ऑफिशियल नहीं किया WWE ने। और बात करें एज स्टाइल्स की गाइज, वो भी रोमन रेंज की स्टोरी लाइन में घुस चुके हैं। पर वहां पर गाइज पहले से रैंडी ऑर्टन है गाइज, वो मैच के लिए बोल चुके हैं रोमन रेंज को। अब पता नहीं क्या होगा, ट्रिपल थ्रेट मैच होगा या फिर पहले रैंडी ऑर्टन का मैच होगा, फिर एलिमिनेशन चैम्बर में होगा एज स्टाइल्स वर्सेस रोमन रेंज। आपके इसके बारे में क्या कहना कमेंट कर देना। इसके बाद गाइज द रॉक के बारे में बात करते हैं। और गाइज आप देख सकते हो रॉक ने क्रिसमस के दिन अपना ओल्ड लुक पहना हुआ है गाइज, जो WWE की रिंग के अंदर 90s के टाइम पर डाल के आते हैं। और गाइज ये कितना ऑसम लग रहा है भाई रॉक के ऊपर, तो यार ओल्ड WWE की याद आ गई ये चीजें देख के। इसके बाद गाइज आप कैथी खैली को और डकोटा काई को भी देख सकते हो, वो न्यूजीलैंड के अंदर है गाइज आज के दिन, वो अपना क्रिसमस सेलिब्रेट कर रही है। मतलब मोस्टली गाइज जितने भी WWE के सुपरस्टार है गाइज वो क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे हैं, WWE ने उनको हॉलीडे दी हुई। इसके बाद गाइज अगली न्यूज की तरफ चलते गाइज, हमारे ट्रिपल एच से रिलेटेड है गाइज। ट्रिपल एच को फर्स्ट टाइम एवर गाइज पूरा कंट्रोल मिल चुका है WWE के अंदर गाइज, रॉयल रंबल का, हॉल ऑफ फेम का और रेसलमेनिया का गाइज। मतलब आप देख सकते हो रेसलमेनिया इसके अंदर, और ट्रिपल एच गाइज इतने खतरनाक मैचेस बुक करते हैं आपको पता ही है। तो गाइज रेसलमेनिया 40 के लिए तो यार तैयारी हो, जो कैसे मैचेस आपको देखने को मिलने वाले हैं। इसके बाद गाइज CM Punk के बारे में बात करते हैं। और गाइज CM Punk का पहला मैच होने वाला है आज WWE की रिंग के अंदर इन 10 सालों में। और गाइज ये मेडिसन स्क्वेयर गार्डन के अंदर एक लाइव इवेंट है, वहां पर ये मैच होगा। और ओपोनेंट है गाइज हमारे डोमिनिक मिस्टीरियो। गाइज ये मैच तो यार देखना बनता है, पर आप इसको देख नहीं सकते यार, इसकी कुछ ही फोटो वीडियोस आपको देखने को मिल सकती है सोशल मीडिया के ऊपर। बाकी गाइस जो भी इस मैच का विनर रहेगा उसके बारे में आपको इस चैनल के ऊपर अपडेट कर दूंगा, तो होपफुली आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो यार। अब चलते गाइस अपनी फाइनल न्यूज यानी कि फाइनल स्टोरी की तरफ। गाइस जो हमारे रिंग साइड न्यूज के रिक बिशोफ है गाइस, वो ये कह रहे हैं कि जो शार्लेट फ्लेयर को ब्रेक दिया WWE ने नी की इंजरी दिखा के 9 months का, उसके पीछे का रीजन है गाइस साशा बैंक्स का रिटर्न, ताकि साशा बैंक्स रिटर्न करके अपना कमबैक कर सके। और गाइस उनका मैच की पॉसिबिलिटी यहां पर निकल के आ रही है कि वो रिया रिपली के साथ मैच करेंगे एट रेसलमेनिया 40 और उनको डीथ्रोन करके चैंपियन बन जाएंगी रेसलमेनिया के मेन इवेंट के अंदर। गाइस आप किसके बारे में क्या कहना यार कमेंट करके बता देना। बाकी जो 2021 की रेसलमेनिया का डे 1 था गाइस, वहां पर भी साशा बैंक्स गाइस मेन इवेंट की थी, तो यार मैं तो चाहता हूँ रेसलमेनिया 40 मेन इवेंट करे और बन जाए न्यू चैंपियन। बाकी गाइज वीडियो यहीं तक की थी, अगर अच्छी लगी तो यार लाइक करके जाना, सब्सक्राइब करके जाना मेरे चैनल को। गाइज मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर।